हेलो गाइस गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसे टॉप 3 सेटिंग्स जो कि आप अपने नॉर्मल एप्लीकेशंस एडिटिंग के इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है पिक्सआर्ट। उसमें से टॉप की 3 सेटिंग्स जिनको यूज़ करके अपने पिक्स को और भी ज़्यादा क्लियर और सुपर बना सकते हैं अपनी बाकी पिक्चर्स की तुलना में। तो उस वीडियो को पूरा देखिए और आज हम आपको बताएंगे 3 टिप्स कौन से हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी पिक्स में 4 चांद ला सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा क्वालिटी आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉलीपिक्स आर्ट के ऐप से, और ये आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा क्वालिटी जो हम आपको दिखा रहे हैं, मतलब फ़ोटो कितनी भी आप जूम कर लें फटने वाली नहीं है। अगर आपके स्मार्टफोन से ली गई है तो क्वालिटी वैसी की वैसी ही रहती है जैसे कि आपके ओरिजिनल स्मार्टफोन में ओरिजिनल क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं क्वालिटी, मतलब जो भी क्वालिटी आपकी ओरिजिनल होती है वही क्वालिटी रहेगी, बिल्कुल ब्लर एकदम जो होता है वो नहीं होगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 3 सेटिंग्स हैं जिनको यूज़ करके आप भी अपने फ़ोटो को और ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। तो गाइस, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में जाना होगा और आपको उसके लिए सबसे पहले अपने इंटरनेट को बंद कर देना है। जब आप इंटरनेट को बंद कर देंगे तो कुछ इस तरह इंटरफेस होगा यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे जब प्लस का आइकॉन है उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे 3 डॉट का, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे 3 डॉट के आइकन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके सामने आता है सेटिंग का। यहाँ पे आप क्लिक जरूर करिएगा और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे आपके मोबाइल में 5 मेगापिक्सल पे ये ब्लू कलर का टिक लगा होगा और सेव होगा। तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। इससे क्या होता है कि जो आपके पिक का साइज़ है वो आपका साइज़ बढ़ जाता है आपकी फ़ोटो का मेगापिक्सल का, मतलब आप जब भी उस पर कोई अनदर पिक अपडेट करते हैं या किसी भी बैकग्राउंड पर अपनी कोई भी दूसरी पिक अपलोड करते हैं वहाँ पे एडिटिंग के लिए तो आपकी पिक फट जाती है क्योंकि वो मेगापिक्सल वहाँ पे सपोर्ट ही नहीं करते उस पिक के। और जब यहाँ पे आप कुछ ज़्यादा मेगापिक्सल को सेट कर लेंगे तो मेगापिक्सल और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आपकी फ़ोटो भी अच्छी हो जाएगी। तो गाइस, यहाँ पे दूसरे नंबर जो टिप आपको हम बताएंगे उसके लिए आपको अपने प्लस आइकॉन पर क्लिक करना पड़ेगा और जब प्लस आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो ऑल फोटोज़ के बाद आप यहाँ पे कोई भी एक अपनी पिक को लीजिएगा। जैसे पहले मैंने एक बैकग्राउंड लिया वाइट कलर का और वाइट कलर का बैकग्राउंड के बाद यहाँ पे हमने पहले अपने साइज़ को सेट किया, जैसे मुझे साइज चाहिए इतना तो मैंने साइज़ को पहले सेट किया और उसके बाद आपको फिर यहाँ पर टूल ऑप्शन में जाकर री साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आप री साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे ये साइज़ इसका लिखा हुआ है तो इसका साइज़ आपको फुल कर देना है, जो भी इसका फुल साइज़ होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे साइज़ डालिए, मैंने डाला 3000। तो जब मैंने यहाँ पे 3000 डाला तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कह गया कि 2627 इसका टोटल साइज हो सकता है। यहाँ पे 2627 पर मैंने क्लिक करके इसको रिसाइज कर दिया। अब यहाँ पे हम कोई भी पिक अपलोड करेंगे ये फटने वाली नहीं है, जैसा हम आपको पिक अपलोड करके दिखा रहे हैं। ऐड फोटो में जाएगा और यहाँ पे मैंने एक पिक को अपलोड किया, जैसे मैंने यहाँ पे पिक को अपलोड करते हैं और हम सेव भी कर देंगे तो भी यही क्वालिटी रहेगी जैसा आप इस पिक में देखेंगे। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, पहले इसको थोड़ा चेंज करके और बड़ा भी करके मैंने यहाँ से उसको सेव किया। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे वही क्वालिटी दिख रही है, मतलब जो ब्लर टाइप में हो जाता है पिक्स का वो कोई भी यहाँ पे आपको नहीं, जैसे यहाँ पे पिच कुछ इस तरह हो जाती है बाद में फटने के बाद, ऐसा कोई प्रॉब्लम आप यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो ये थी हमारी दूसरी टिप। गाइस, जो हमारी तीसरी टिप्स है वो पिक्सआर्ट से रिलेटेड नहीं है, वो पिक्स डिपेंड करती है कि आप किस तरह का बैकग्राउंड यूज़ करते हैं। अगर आप यूज़ करते हैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड जो कि आप ऐसे ही कहीं से उठाकर मतलब डाउनलोड कर लेते हैं तो वो इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा आपके जो PNG टाइप होती है जहाँ पे आप बैकग्राउंड इरेज करके अपडेट करते हैं। तो उसके लिए गाइस आपको अपने गूगल में जाके सर्च करना होगा टॉप 10 बैकग्राउंड,
टॉप 10 विजय महर बैकग्राउंड या कोई भी आप एडिटर का नाम लेके वहाँ पे बैकग्राउंड देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे इतने सारे HD हाई डेफिनेशन और अमेजिंग बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे आप जब इस पर ओपन करेंगे। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड को, और अगर आप इस वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं किसी अनदर वेबसाइट से बैकग्राउंड को डाउनलोड करना तो आप पिंटरेस्ट के अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं। तो इस तरह गाइज यहाँ पे आप अपने किसी भी स्मार्ट बैकग्राउंड या अपने जैसा भी आप बैकग्राउंड चाहते हैं एडिट करा हुआ या नॉर्मल बैकग्राउंड, तो आप यहाँ से HD में डाउनलोड करिएगा और उसमें जाके जो मैंने उन दो सेटिंग्स को बताया है उनको आप उस पर यूज़ कर सकते हैं और अपने पिक्स को और भी अच्छे से एडिट कर सकते हैं। ये मैंने आपको नॉर्मल एडिटिंग बताई है, अगर आप नए हैं तो ये टिप्स आपके लिए हैं, ज़रूर यूज़ करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम या पिक्स आर्ट से रिलेटेड एडिटिंग से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।